गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल आप अच्छे हो जाएंगे अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को देता हूँ बेहतरीन नॉलेज। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज दूँ जो मुझे आता है। और आप बिल्कुल परेशान ना रहें। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? और इस समय आपके पढ़ने का बहुत ही बेहतरीन समय है, क्योंकि अभी नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़े। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात, जो कि हमारे SSC, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें इसके प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि मेरा नाम विक्रम पंडित है और मैं विक्रम ट्यूटोरियल में केमिस्ट्री एवं कंपटीशन का क्लास लेता हूं। और मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो बच्चे बहुत गरीब हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है? और अगर कोई रोकता है तो आप लोग बिल्कुल उससे लड़ें, क्योंकि पढ़ने वाले को आज तक हमको नहीं लगता कि कोई रोक पाया है, ठीक है? मैं भी अपने लाइफ में बहुत ही संघर्ष किया हूँ, मैं भी जानता हूँ कि संघर्ष क्या होती है। इसलिए आप लोग संघर्ष करने से बिल्कुल कतराएं नहीं, आप लोग संघर्ष करें और साथ ही साथ अपना मेहनत बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना सकती है। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए मैं आप लोगों को आज बता दूं कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती एवं चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। और ये बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं तो भी आप लोग आज सीख जाएंगे, क्योंकि ये सीखना आप लोग के लिए बहुत ही आसान है। और आप लोग मेरा मैथ का सेशन जरूर देखिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ के हर एक सेशन में एकदम एकदम जो होता है शॉर्ट ट्रिक से भी शॉर्ट कोशिश करता हूँ, लेकिन जहाँ तक होता है मैं प्रयास करता हूँ। तो चलिए आप लोग सबसे पहले जान लीजिएगा अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। इसको बताने की कोई आवश्यकता आप लोग को नहीं है। आप लोग सिर्फ क्या करें, अभी अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने में फोकस करें। जब आप लोग एग्जाम दे लीजिएगा उसके बाद में आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट भी दूंगा। तो चलिए आज आप लोग को तीन फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है, जैसा कि मैं आप लोग कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो में आप लोग कुछ फॉर्मूला दूँ जिसे आप लोग नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, दो संख्या x और y का मध्यानुपाती ज्ञात करना। और इसके लिए सूत्र होता है √xy। अगर दो संख्या दिया होगा उसको क्या कर देना, रूट अंडर, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसको अनुपातिक औसत भी बोलते हैं। दूसरा फॉर्मूला है आप लोग के लिए, दो संख्या x और y का तृतीयानुपाती या तीसरा समानुपाती ज्ञात करना। और इसके लिए सूत्र होता है, पहले वाई का स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी वाई को दो बार गुणा कर लीजिएगा और बटे एक्स कर दीजिएगा, ठीक है? और साथ ही साथ तीसरा एक होता है फॉर्मूला, तीन संख्या एक्स वाई और जेड का चतुर्थानुपाती या चतुर्थ समानुपात निकालना। और इसके लिए सूत्र होता है वाई गुना जेड बटे एक्स। ये तीन फॉर्मूला आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर ये तीन फॉर्मूला आप लोग जान गए तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को प्रश्न बनाने में कहीं भी दिक्कत होगी। तो जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं वो जरूर आप अपने दोस्तों को बताएं, आप लोग मुझे मोटिवेट करें, और ये मोटिवेट तभी हो पाएंगे जब आप मेरा वीडियो पसंद करेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ बेहतरीन क्वेश्चन, तो जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और इस तरह के प्रश्न आपको जब मिलेगा आप लोग बस इसी तरह कीजिएगा, आपका प्रश्न का उत्तर तुरंत आपका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपात क्या है, और इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसमें आप लोग अभी ऊपर में बता चुके हैं कि माध्य समानुपात को ही मध्यानुपाती बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है रूट अंडर एक्स इंटू वाई। तो एक्स की जगह यहाँ पे 0.02 है और वाई की जगह 0.32 है। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 0.0064। मल्टीप्लाई आप लोग दशमलव का मल्टीप्लाई करने जानते होंगे, और नहीं जानते हो थोड़ा सा सीख लेंगे, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जब गुना करते हैं 64 आता है, लेकिन दशमलव यहाँ पे दो अंक, दशमलव के बाद यहाँ पे भी दशमलव के बाद दो अंक, जिसके कारण दशमलव के बाद चार अंक होगा, ठीक है? ओके, आई होप समझ गए होंगे। तो जब 64 का वर्गमूल निकालते हैं 8, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दशमलव के बाद चार अंक है इसलिए दशमलव के बाद दो अंक लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 0.08। तो इसका आंसर होगा 0.08। आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आप लोग प्लीज इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताएं कि 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या है, और आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है।
आप लोग बताइएगा। बिल्कुल उम्मीद तो पूरा है। चलिए 0.8 था, 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है? और जैसा कि आप लोग सूत्र बता चुके हैं, तीसरा समानुपाती होता है वाई गुने वाई बटे एक्स। तो वाई की जगह क्या है? 0.2, और फिर 0.2 गुने 0.2 और बटे होता है एक्स, यानी एक्स की जगह कितना था? 0.8। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, वैल्यू को पुट करने सीखिए। अगर पुट करने सीख जाते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग तुरंत हिसाब सीख जाएंगे। ठीक है, तो 0.2/4 कितना हो जाएगा? 0.05। इस तरह के भाग गुना सभी चीजों को अच्छी तरह से सीख लें ताकि आपको परेशानी बिल्कुल ना हो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए। तो अगर आप सीख गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। 12 और 18 का तीसरा समानुपाती कितना है? तो ये आपका ऑप्शन में आप लोग जरूर बताएं। 5वां, 12, 16, 18 संख्या का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, ये चौथा समानुपाती क्या है? और चौथा समानुपाती का सूत्र होता है वाई गुना जेड बटे एक्स। वही चीज किए और इसका आंसर कितना आया? 24। इस तरह से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। दो प्रश्न में आप लोग को होमवर्क दिया और साथ ही साथ ऊपर में भी इन सभी प्रश्नों को बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। चूंकि मेरा गला कुछ थोड़ा सा फंसा हुआ है इसलिए मैं उतनी अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। आज इतना ही, अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिए, अगर खराब लगे तो भी आप जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।